इंट्रा हेलोजन कंपाउंड के बारे में बता रही है, अंतरा हेलोजन यौगिक। ओके, अंतरा हेलोजन यौगिक को क्या अपन बाइनरी या फिर द्विआंगिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। हेलोजन प्रथम एक दूसरे से संयोग करेंगे और संयोग करके कई प्रकार के यौगिक बनाएंगे। जब दो भिन्न हेलोजन आपस में, भिन्न हेलोजन से सपोज दैट वन ये फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन है, तो ये भी अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है ना, तो ये दोनों मिल करके क्या बना लें, ये नया कंपाउंड बना लेता है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, अंतरा हेलोजन यौगिक। तो इंट्रा हेलोजन यौगिक आपको समझ में आया कि जब हेलोजन परस्पर जुड़ते तो है मगर अलग अलग दो हेलोजन आपस में मिल करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, द्विआंगी यौगिक उन्हीं को कहा जाता है बाइनरी, जब दो अलग अलग यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। ओके, तो इंट्रा हेलोजन यौगिक में सहसंयोजक यौगिक भी बनते हैं। सहसंयोजक मीन्स आपस में साझा करके ही बनेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ अकेला पूरे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा या पूरे, दोनों आपस में शेयर करते हैं, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करके सहसंयोजक के अकॉर्डिंग ही नया कंपाउंड बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्स वाई यानी मोनो है, डाई है, ट्राई है और हेप्टा तक ये चला जाता है, यानी कि सात यौगिक तक ये बनता है। देखो ये मोनो है मतलब एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन है तो क्या हुआ, ये मोनो हो गया। एक क्लोरीन और दो फ्लोरीन है तो ये डाई हो गया, तीन फ्लोरीन है तो ट्राई हो गया, पांच है तो पेंटा और सात है तो हेप्टा बन गया। इतना समझ में, अभी देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लोरीन फ्लोरीन क्यों लगा हुआ है, फ्लोरीन फ्लोरीन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है या इसकी विद्युत धारकता भी ज्यादा होती है, तो अपन कभी भी अगर इनका रिएक्शन कराते हैं तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन, ये रॉन्ग क्या रहेगा, ये रॉन्ग फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद अपन अगर इसके बाद जैसे क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन के साथ अपन क्या ले सकते हैं, क्लोरीन प्लस आयोडीन ले सकते हैं, ब्रोमीन, मगर ये नहीं कर सकते हैं कि आयोडीन प्लस क्लोरीन, जिसकी अभिक्रियाशीलता विद्युत धारकता ज़्यादा होती है वही क्या कहलाता है, सेकेंडरी या द्वितीय हेलोजन कहलाता है। तो आपको मैंने बता ही दिया एक्स और वाई, वाई का मतलब क्या है, जिसकी विद्युत धारकता ज़्यादा है। ठीक है, तो वो का अंतरा हेलोजन यौगिक के साथ क्या होगा, तो जुड़ेगा। इधर समझ में आ गया, अंतरा हेलोजन यौगिक कहला गया। अभी देखिए इसके बाद आप देखना कि अगर एक्स एक्स ले लेते हो आप, ओके, यानी कि सपोज दैट आप क्लोरीन क्लोरीन ले लोगे तो उनकी ध्रुवता कम हो जाएगी, मीन्स यदि आप एक्स एंड एक्स ले लेते हैं तो सपोज दैट क्लोरीन प्लस क्लोरीन इसकी पावर जैसा ज़्यादा नहीं रहेगा, बट अगर आप एक्स एंड वाई लेते हो यानी क्लोरीन प्लस फ्लोरीन लेते हो तो इनकी ध्रुवता क्या हो जाएगी, पोलराइटी जो होगी ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये भी दिमाग में बैठाना कि कभी आप पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे, एक्स एक्स बंद नहीं लिखेंगे। एक्स एक्स बंद लिखने का मतलब क्या है कि इनकी ध्रुवता नहीं है ज़्यादा और अभिक्रियाशीलता भी कम है, और यदि आप एक्स और वाई लेते हैं तो इनकी ध्रुवता पोलराइजेशन ज़्यादा रहता है। इतना क्लियर होगा, ये समझ में आपको अंतरा हेलोजन यौगिक क्या कहलाते हैं कि अपने ही अंतरा मीन्स क्या हुआ, अपने ही हेलोजन अपने ही साथ संयोग करके नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको इंट्रा हाइलोजन कंपाउंड कहते हैं। अभी देखिए इनको बनाने का मेथड क्या होता है, सीधे गर्म करके भी इनको बनाया जा सकता है। दो अलग अलग कंपाउंड ले लिया हमने, जैसे क्लोरीन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, इसको 500 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या बन गया हमारे, क्लोरीन क्लोराइड मिल गया। अब इसकी आयु को दो और तीन पाँच क्या ले लिया हमने, क्लोरीन ले लिए, छः क्लोरीन, तीन गुनी छः हो गए, छः क्या हो गए, क्लोरीन हो गए और दो क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अभी इसको बैलेंस करना है तो क्या करते हैं, टू सी एल एफ वी कर दिया तो दो क्लोरीन हो गए और छः क्या हो गए इसमें, क्लोरीन हो गया। देखिए आयोडीन से मोनो पेंटा क्लोराइड बनाने के लिए, आयोडीन से मोनो पेंटा के लिए ए जी क्लोराइड की क्रिया आयोडीन से 273 केल्विन पर कराते हैं। देखिए आयोडीन से दो अणु और ए जी क्लोराइड से 273 केल्विन पर गर्म कराने पर आयोडीन क्लोराइड और आयोडीन क्या मिलता है, सिल्वर आयोडाइड मिलता है। अभी देखिए आपको ये समझ में आ रहा है, आयोडीन क्लोराइड ना कि क्लोराइड आयोडीन, ये देखिए आयोडीन क्लोराइड भी लिखेंगे ना कि फ्लोराइड आयोडीन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इनकी विद्युत धारकता और अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनको रखा जाता है। देन इसके बाद देखिए 3 to the 6 देन 5 ये है और ये 5 3 5 3 हो गया, तो इसको 273 से बैलेंस किए तो इसको भी क्या बैलेंस कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, सीधे गर्म करके भी आप बना सकते हैं किनको, अंतरा हेलोजन यौगिक को। तो अगर पेपर में आता है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, फिर इनके प्रकार जो मैंने बताया, एक्स वाई मतलब एक क्लोरीन एक क्लोरीन हो गया, जैसे कि
क्लोरीन फ्लोराइड, ये गैस फॉर्म में हमेशा होता है। इसी प्रकार दूसरा हो गया क्लोरीन के और फ्लोरीन दो यानी डाइक्लोराइड हो गया। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये भी आपको रहता है, और इसके बाद एक एक की पर्टिकुलर इसकी संरचनाएं हैं जो आपको बनानी होती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अल्ट्रा हैलोजन यौगिक क्या कहलाते हैं, देन इसके बनाने की विधि, और ये समझ में आ गया कि फ्लोरीन क्यों लिया, फ्लोरीन की विद्युतात्मकता ज्यादा होती है, इसकी अभिक्रियाशीलता भी ज्यादा होती है। तो हमेशा अपन बाय किसको मानेंगे, फ्लोरीन को मानेंगे, और अगर बाय क्लोरीन को नहीं मानते हैं तो क्लोरीन को मानेंगे। बट अपन ये नहीं कर सकते कि क्लोरीन पहले और क्लोरीन बाद में, या फिर ब्रोमीन का क्लोरीन पहले और आयोडीन पहले, क्योंकि जिसकी विद्युतात्मकता होती है वो दूसरा हैलोजन यौगिक कहलाता है जो उससे अब क्रिया करता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके स्ट्रक्चर इसका बतलाऊंगी।